सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के अलवर में पहलू खान की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ गौ तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि साल 2017 में पहलू खान की भीड़ ने उस वक्त पीट पीट कर हत्या कर दी थी जब वो गाड़ी में मवेशी को लेकर जा रहे थे। गौरक्षकों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई कर दी थी। भीड़ की पिटाई के बाद पहलू खान के अस्पताल में मौत हो गई थी। राजस्थान के गुजरातीय पशु अधिनियम 1995 और नियम 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान को चार्जशीट किया गया। तो यहाँ पर राजस्थान के अलवर में पहलू खान की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने पहलू खान के खिलाफ गौ तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। और बता दें आपको कि 2017 में पहलू खान की भीड़ ने उस वक्त पीट पीट कर हत्या कर दी थी जब वो गाड़ी में मवेशी को लेकर जा रहे थे। गौरक्षकों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई की थी। भीड़ की पिटाई के बाद पहलू खान के अस्पताल में मौत हो गई थी। राजस्थान के गोजातीय पशु अधिनियम 1995 और नियम 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत पहलू खान को चार्जशीट किया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं उसके बाद अब कई तरीके के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहलू की बेटी ने यहाँ पर निराशा जताई है, उसके पिता की गौरक्षकों ने हत्या कर दी थी और अब उसके पिता को ही बनाया जा रहा है अपराधी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमें नई सरकार से न्याय की आशा थी लेकिन अभी न्याय नहीं मिल पाया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और चार्जशीट में पहलू खान के साथ ही यहां पर अब आगे की जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। और अब कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ दिन बाद बनी थी ये चार्जशीट। तो हमें नई सरकार से ये न्याय की आशा थी। इतनी सरकारी वक्त में घटना हुई जिसकी पूरे मुल्क ने निंदा करी, कंडम किया इस घटना को। हम सब ने कंडम किया कि किसी को हक नहीं है किसी को मारने का, कानून को तोड़ने का। जो कानून तोड़ा गया उनको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा रुख उस वक्त भी था, आज भी है। पूरे कंट्री में जहाँ भी घटना हुई है तो कांग्रेस हमेशा उनको कंडम किया है लेकिन और यहाँ पे भी कंडम किया गया। वो केस के दौरान अलग पेश हो चुका है जिन्होंने उनको मारा। जुडिशरी के अंदर है, सब जुडिशरी हैं। और ये जो केस है, ये केस है दो लड़के जो पहलू खान के थे वो, और जो ट्रांसपोर्टर था वो। पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई उसकी, पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई और तफ्तीश पूरी करके चार्जशीट पेश करी कोर्ट के अंदर। वहाँ पर 18 को ठीक है। उसके बाद में क्योंकि वो बच्चे जो थे उनके, वो हाईकोर्ट में गए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए पहले, फिर हाईकोर्ट में गए अंतिम जमानत लेने के लिए, एंटीसिपेटी बेल लेने के लिए। उनको बेल मिल गई। वो कोर्ट ने कहा जब तक आप लेके नहीं आओगे मुलजिम को तब तक हम चालान पेश नहीं कर सकते, चालान पेश नहीं कर सकते। जब मुलजिम पेश हुए तो इन्होंने चालान पेश कर दिया। ये घटना की तफ्तीश पुराने वक्त में हुई थी, बीजेपी राज में हुई थी। अब जब ये केस चालान पेश हुआ है तो हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। मुख्य बात यह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टैंड बदल दिया हो। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरे मुल्क में जो राहुल गांधी जी की हमेशा भावना रही है, ऐसे तत्वों को जो कानून को तोड़ते हैं, गौवंश के नाम पर हत्या कर देते हैं, उसको पूरा मुल्क कंडेम करता है। और हम ऐसे मुलजिमों को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनको इंसाफ दिलवाएंगे, उनको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। अभी तो सब जुडिशियल मामला है, कोर्ट के अंदर है। पर अगर उनका कोई परिवार या कोई व्यक्ति हमें बताता है कि ये कमी रह रही है, उस कमी को दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि उनको सजा मिले।
ऐसा सबक मिला है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये मेरी धारणा है।